के पिक्चर वगैरह हमने ऐड करनी है उसके अंदर। और सबसे पहले यहाँ पे आके हम लिखते हैं अपना सब लाइन, और सब लाइन लिखने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे सब लाइन। ठीक है, ये हमारी ओपन हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले, ये हमारा सब लाइन ओपन हो चुका है, हम जाके देखते हैं अपना वेबसाइट को, इंडेक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इंडेक्स के अंदर हमने क्या काम किया था लास्ट टाइम। इंडेक्स में हमने काम किया था यहाँ तक। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कल लास्ट हमने चेंज ही नहीं किया, अगर करना है तो, अगर नहीं भी करना तो कोई इशू नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे टी डी के अंदर, और टी डी के अंदर आके हम वही काम करते हैं सेम जो पहले काम करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बीजी कलर, बीजी कलर कोई भी दे देते हैं, जैसे ब्लू, ब्लू कलर बीजी कलर देख के यहाँ पे आके देखेंगे। हाँ ये देखिए, ये सारा इसके बैकग्राउंड पे ब्लू कलर आ चुका है। स्टूडेंट अब हम इनके अंदर पिक्चर को ऐड करते हैं, और पिक्चर को ऐड करने के लिए हम ओपन करते हैं और अपना चले जाते हैं किसके अंदर, यहाँ पे ये वाली हमारी पिक्चर बनना है। यहाँ पे हमने पिक्चर इनपुट करनी है, यहाँ पे हम टैग इस्तेमाल करेंगे इमेजेस का, इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जाएंगे हम इमेजेस, इसे बोलेंगे कि इमेजेस के अंदर जाए और वहाँ पे जाके टेट्रा ट्रिपल एफ डॉट जे पी जी जिस नाम से सेव है पिक्चर, हम उसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर सेव करके आगे यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें तब्दीली है। ये स्टूडेंट यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है, लेकिन ये इतनी बड़ी पिक्चर है कि सिर्फ पूरे स्ट्रक्चर को इसने हमारे बर्बाद करती है, ख़राब करती है। अब हम इसकी क्या है कि इसकी हम कंट्रोल करेंगे इसकी सारी चीज़ों को। अब इसमें हम हाइट करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट कितनी करेंगे, 166 तक हाइट करेंगे ताकि इसकी जो हाइट है वो कंट्रोल में ला सकें। ये इसकी हाइट आ चुकी है, और इसकी जो विड्थ है, अब हमने विड्थ इसकी चेंज करनी है, जैसे कि ये इसकी विड्थ टोटल हमने कितनी रखी है, इसकी विड्थ रखी है 590, और ये हमारे पास चार पिक्चर है। हम ऐसा करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और 590 डिवाइड करेंगे हम 4 पे, देखते हैं कितना इसका रिजल्ट निकलेगा। ये है यहाँ पे आ गया 147, और यहाँ पे आके हम इसकी अब विड्थ को भी काउंट करेंगे और वर्क करेंगे 147। ठीक है स्टूडेंट, आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको करना, ये इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम इसमें थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। लेकिन कमी कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर जाके इमेज को पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर ऊपर वाली पिक्चर जो होगी सारी कुछ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। इसमें करेंगे हम जो नाम से सेव किया जेपीजी इमेज को करेंगे हम सेव, और सेव करने के बाद सेम इसी की हाइट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इधर आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये दो पिक्चर होगी। अब हम सेम इस ऐसे कर लेते हैं कि इसको यहाँ से इमेज को ही कॉपी कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार इसको लिखें। ठीक है स्टूडेंट, आपने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है वो थोड़ी सी चेंज करते जाए खुद ब खुद ही। ये मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, ये ना देखना कि ये पिक्चर्स मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये पिक्चर्स पड़ी हैं और ये इनके मैंने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी अपने पिक्चर यहाँ पे रख लेना और उनके नाम दे देना, और फोल्डर का इमेजेस ही नाम रखेंगे तो यहाँ पे इमेज लगाने से ही इमेज आएगी, वरना ये ना हो कि फोल्डर का नाम आप कोई और रख लो, फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें, अब ये चारों पिक्चर हमने यहाँ पे पुट की थी, और ये चारों की चारों यहाँ पे, यहाँ आपने अपने टीम मेंबर के नाम दे देना है, दे देनी है पिक्चर जो भी आपके टीम मेंबर होंगे। ठीक है, और इनके साथ सेम वही काम करेंगे जैसे हम बाकी के साथ करते हैं, कि यहाँ से ए टैग को स्टार्ट करेंगे और ए टैग के अंदर जाके लिखेंगे वही काम, इमेजेस इसको कॉपी कर लेते हैं, इमेजेस को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, और फिर आके यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन सिर्फ ये वाला जो टैग है इसको यहाँ से कट करेंगे, और ये टैग आएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे टैग आके बंद हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगर तो ये काम कर रहा है तो फिर ये ही बिल्कुल काम हम बाकी के साथ कर लेंगे,
ये देखें इस पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो तस्वीर जूम हो जाती है, तस्वीर बड़ी होना शुरू हो जाती है। यही काम हम बिल्कुल उसी के साथ करेंगे। अब हम ऐसे करते हैं, ए टैग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ये वाला लिखना ना पड़े। ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया और ये पेस्ट किया और ये पेस्ट किया और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ए टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सब लाइन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप लिखते हो और सारा कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब इसमें ये देखें स्टूडेंट, एक चीज़ आपको ये भी दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे हमने अभी FF लिखा है लेकिन यहाँ पे GG है, ये वाली पिक्चर है, लेकिन ये वाली पिक्चर अभी हमने GGG नहीं दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, जैसे YouTube वगैरह या किसी और पे लोग पिक्चर्स और देते हैं, सामने थंबनेल और होता है, पीछे से अगर क्लिक करने पे पिक्चर और खुलती है। ये देखें यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर ओपन हुई, ठीक है, बिल्कुल वही पिक्चर ओपन हुई जो जिस पे क्लिक किया, लेकिन अब अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे वो पिक्चर ओपन हो जाएगी बाद में जाके जो इसके हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके FF की बजाय कुछ और लिखने की कोशिश करूँ कि कुछ और लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट अपना AAA और सेव करते हैं। अब ये देखना क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और पिक्चर कोई और ओपन होगी, इसलिए जो पिक्चर आपने ओपन करनी हो यहाँ पे वो ही लिखना, कहीं कोई और पिक्चर ना ऐड कर देना। यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे हम एच कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने एफ को काउंट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, अब ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर आ गई, ठीक है, ये जूमिंग होगी, जूमिंग आउट होगी। और फिर नीचे आ गया इसके नेम, अब नेम कोई भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये, फिर मैं अपने स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है, आप भी इसी तरह नाम दे सकते हैं। जो आपके ये मेंबर होंगे उनका नाम आप यहाँ पे ऐड कर देना। हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारे नाम नजर आना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें ये क्लिक हो गया स्टूडेंट, आप अपने नाम के साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये बी का टैग आप यूज़ कर सकते हैं, बी के टैग को अगर यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे बंद भी करेंगे, ठीक है, बी का टैग हमने यूज़ किया और ये देखना इसके नाम में ये हमारा नाम बोल्ड हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैं एक और टैग है वो यूज़ करता हूँ और वो है आई का टैग, ठीक है, आई टैग यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, सेव करते हैं। ये आपको सिखाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, ये देखें ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है, आपने भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम सुपर को कर लेते हैं, सुपर को करने के बाद सुपर यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमने फ्रेश किया और ताहिर ऊपर और आकाश थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल सुपर वाला ना करूँ तो अगर मैं करूँ SUB सब वाला अकाउंट यूज़ करूँ और इसको यहाँ से कट करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये क्या होगा, ये देखिए ये एक नाम नीचे आ गया और दूसरा नाम उससे थोड़ा सा ऊपर नजर आना शुरू हो गया। तो इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर हमने ऐड कर चुके हैं, ये पिक्चर ये हमें नज़र आती है जैसे हम क्लिक करते हैं, बड़ी होती है छोटी होती है। तो अब हम करेंगे स्लाइडर के अंदर काम, लेकिन स्लाइडर के अंदर काम करने से पहले हम ये नाम को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, और जैसे ये नाम सिंपल थे इनको सिंपल ही रहने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं नाम सिंपल इनका रहने देंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो समझने में और ये भी इसको
क्योंकि हमने कंटिन्यू करना है काम को काफ़ी सारा आगे, तो यही वेबसाइट हमने इसी वेबसाइट पे काम करेंगे। ये मैंने पिक्चर इसको वैसे ही कर दिया, इसके नाम को सिंपल जैसे ये थे। एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, वो सिर्फ ये कि ये वाला जो है ना हमारा, इसके साथ हम ये वाला टैग सिर्फ एक इस्तेमाल कर लेते ताकि ये हमारा टैग खूबसूरत और अच्छा नज़र आए और अट्रैक्शन पैदा हो हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे अब ये स्टार्ट हो चुका है आवर टीम मेंबर्स, और ये नीचे टीम मेंबर्स आएंगे, उनके नाम आ जाएंगे, कल को हम फुटर भी करेंगे और जाके फिर ये गैलरी के अंदर भी काम करेंगे, और गैलरी के अंदर ये पिक्चर्स कल पुट करनी है हमें, वो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर मेरा चैनल को लाइक करें, पेज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।